अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पे विजिट किए हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग लेटेस्ट वीडियो। आज मैं आपके लिए बहुत ही लैविश क्रीमी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले द कोर इंग्रेडिएंट इज कॉटेज चीज 250 ग्राम्स, कैप्सिकम 1 डाइस्ड, अनियन 1 डाइस्ड। ये कुछ होल स्पाइस है जिसे हमें रोस्ट ग्राइंड करना है, तो पहले इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। इंग्रेडिएंट्स है कोरिएंडर सीड्स 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, फेनल सीड्स 1 टीस्पून, क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून, ग्रीन कार्डमम 2 पॉड्स। आए चले तो अपनी होल स्पाइसेस को हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ये अच्छे से रोस्ट हो गया है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, 2 मिनट्स इनफ होगा। और इसे ठंडा करके इसको आप ग्राइंड कर ले। नाउ सेकेंड स्टेप हमारा है कि सारे इंग्रेडिएंट्स जितने भी स्पाइसेस है उसको कंबाइन करना। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक 1 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, टू टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1, एंड दिस इज द अनदर 1, 2 टीस्पून। कसूरी मेथी 1 टीस्पून, इट्स अ ड्राई कसूरी मेथी 1 टीस्पून। नाउ इट्स टाइम टू ऐड आवर ग्राउंड स्पाइसेस, रोस्टेड ग्राउंड स्पाइसेस। लास्ट में वी हैव टू ऐड वाटर, 1/4 कप ऑफ वाटर। नाउ इट्स टाइम टू मिक्स आवर इंग्रेडिएंट्स, अच्छे से मिक्स कर लें। चले तो अब हम अपनी कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, 1 टेबल स्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल है। अब इसमें हम पनीर को 1 से 2 मिनट सौते करेंगे। अच्छे से सौते हो जाए फिर आप इसे वापस निकाल ले और फिर हम इसमें चीज को सौते करेंगे। पनीर सौते हो चुकी है और अब वेजीज को भी सौते कर लेते हैं। सबसे पहले कैप्सिकम ऐड करेंगे, फिर डाइस्ड अनियन। 2 मिनट्स अच्छे से सौते करें। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल ले लिया है, ये गरम हो चुका है। तो सबसे पहले इसमें हम 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स ऐड करेंगे, बे लीफ। इसे 1 मिनट सौते करेंगे। वन बोल अनियन पेस्ट, 2 मिनट्स कुक करते हैं फिर स्पाइसेस को ऐड करते हैं। ये सारे कंबाइन स्पाइसेस हैं, इसको ऐड कर देते हैं। इसे 3 to 5 मिनट्स कुक कर लीजिए अच्छे से, रॉ स्मेल रिलीज हो जाए जिंजर गार्लिक पेस्ट की। दे विल ऐड आवर टोमेटो प्यूरी।
अब ऐड करते हैं टोमेटो प्यूरी, 1 कप ऑफ टोमेटो प्यूरी। अच्छे से मिक्स करें। इसे अब 10 से 15 मिनट अच्छे से भूनना है, तब तक आप इसे कुक कीजिए जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए, चारों तरफ से ऑयल सेपरेट दिखने ना लगे, तब तक इसे हमें कुक करना है। तो आइए चले मिलते हैं 15 मिनट्स के बाद। ये देखिए 15 मिनट्स कंप्लीट हो चुका है और मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें हम 1/2 कप ऑफ फ्रेश मिल्क क्रीम यूज़ करेंगे। आप चाहें तो आप मार्केट की भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने घर की फ्रेश मिल्क क्रीम यूज़ की है। इसे अच्छा सा स्टर दीजिए। अब इसमें फ्राइड अनियन है, इसको ऐड करते हैं। कैप्सिकम को ऐड करेंगे, एक अच्छा सा स्टर दीजिए। 1 मिनट कुक करेंगे, फिर इसमें हम अपनी सौते की हुई पनीर को भी ऐड कर देंगे। तो पनीर को भी ऐड कर लेते हैं अच्छे से। मिक्स कर लीजिए अपनी ग्रेवी के साथ, पनीर अच्छे से ग्रेवी के साथ कोट हो जाए। फिर इसमें हम 1/2 कप ऑफ वाटर ऐड करेंगे। 1/2 कप वाटर ऐड कर लीजिए, 1/2 कप से ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, बिकॉज कढ़ाई पनीर हमारी थिक ग्रेवी की होती है, कभी भी इसकी ग्रेवी बहती हुई नहीं होती है, गाढ़ी गाढ़ी थिक ग्रेवी रखना है। तो 1/2 कप करते हैं और अब इसका लिड कवर करके इसे हम 10 मिनट्स कुक करेंगे। कभी भी पनीर को ज़्यादा कुक भी नहीं करते हैं, तो बस इसे 10 मिनट्स कुक कर लेते हैं लिड को कवर करके। तो आए चले लिड कवर करते हैं और मिलते हैं आपसे 10 मिनट्स के बाद। 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये देखिए कितनी कलरफुल और खूबसूरत लुक है इसका। तो अब इसमें कोरिएंडर लीव्स को ऐड करते हैं, 3 स्लिट ग्रीन चिलीज है मेरे पास, इसे ऐड कर देते हैं। और 2 मिनट्स कुक करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे प्लेटिंग करने के बाद। तो ये देखिए फाइनल लुक हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर का, बहुत ही कलरफुल लैविश क्रीमी लग रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। रेसिपी ट्राई करने के बाद इसकी इमेज को क्लिक करना ना भूलें। मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और इंस्टा हैंडल पे डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टा हैंडल की लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Oh, oh, oh.